सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल हैज ए रेडियस आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल ऑन द एक्सिस वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ द कोयल इज। यानी कि इसने कहा है कि जो 1/8 बी सेंटर हमारे पास है वो इक्वल किसकी है, एक्सिस के। तो हमें बतानी है कि जो उसकी सेंटर से डिस्टेंस एक्स है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यानी कि 1/8 न्यू नोट आई डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2r। ये हमारे पास क्या होते हैं सेंटर पे और एक्सिस पे क्या होती है, न्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या होती है 3/2 न्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या होती है 3/2। ये हमारे पास क्या होते हैं एक्सिस पे, यानी कि जो एक्सिस है वो 1/8 ऑफ सेंटर है। तो एक्स की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है कि न्यू नोट आई डिवाइड में 2, ये क्या हो जाएगा न्यू नोट आई डिवाइड में 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया 1/8 आर इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ गई 3/2, यानी कि 8r³ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8r³ इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ गई 3/2। अब दोनों साइड क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे क्यूब। तो हमारे पास क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2r³, 2r इक्वल टू क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब ये हमारे पास 1/2 है तो दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, पावर का मामला खत्म करना पड़ेगा। तो पहले क्या हमने किया क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों का क्यूब करेंगे तो इसकी क्यूब से कैंसिल ही क्या गया 2r, दोनों का क्यूब करा और इधर की 3 कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वेयर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4r² इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास r² प्लस x², ये आ गया हमारे पास क्योंकि बोथ साइड हमने क्या करा स्क्वायर, तो यानी कि 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² इक्वल टू में क्या आ गया r² प्लस x². अब हमारे पास क्या आ जाएगा 4r² में से r² माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा x², तो इधर क्या आ गया 3r² इक्वल टू क्या आ गया x, यानी x², तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √3r, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3r। दिस इज द क्वेश्चन, हमें इसने कहा था कि जो सेंटर है वो 1/8 है एक्सिस का, तो 1/8 × 2 न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2r और इसकी एक्सिस पे होती है न्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r² प्लस x² की पावर 3/2। तो हमने इसे सॉल्व करा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई √3r। दिस इज द क्वेश्चन।